नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। अंतर जनपदीय बाइक चोर गैंग का पुलिस ने किया खुलासा। पिपरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घोसी मोड़ के पास कुछ संदिग्ध लोगों को पुलिस ने घेराबंदी करते हुए इंदल उर्फ इंद्रजीत निवासी बिसौना, शिव प्रसाद निवासी औधन, गोविंद निवासी मऊ व हर्ष निवासी औधन को पकड़ लिया है। पुलिस ने बदमाशों की निशानदेही पर चोरी की बाइक भी बरामद की है। शिव प्रसाद व हर्ष के कब्जे से पुलिस ने तमंचा कारतूस भी मिला है। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद सभी आरोपितों को जेल भेज दिया है। एसपी राधेश्याम विश्वकर्मा ने बताया गया कि पकड़े गए आरोपी शातिर बदमाश हैं। बाइक चोरी के साथ साथ लूटपाट की घटनाओं को भी अंजाम देते हैं, जिन्हें पिपरी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिन्हें लिखा पढ़ी करके जेल भेजा जा रहा है। खबर जगत के लिए एनएन सिंह की रिपोर्ट। एक दो महीने से चोरी की कई घटनाएं पिपरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत और आसपास में हो रही थी, तो इस संबंध में दो मुकदमे तो थाना पिपरी में कायम हुए थे। तो इसमें अपने चौकी इंचार्ज जो वहाँ के थे, रहीमाबाद, मखदुमपुर आदि को लगाया गया था, रावतपुर, इन सभी ने काफ़ी मेहनत करने के बाद इनके यहाँ दो चोरी जो हुई थी उनको उसमें जो चोरी की मोटरसाइकिल थी उसको बरामद किया। और इससे संबंधित अंतर जनपदी गिरोह के चार अभियुक्तों को जो पकड़ा है, इसमें तो एक जो है मऊ का रहने वाला है और तीन तो इसी जनपद के रहने वाले हैं, तो कुल चार हैं। और जिसमें एक इंदल जो है वो बिसौना का है, और बिसौना गांव का एक जो है हर्ष उर्फ बुलबुल, और दो इसके साथी हैं शिव प्रसाद जो औधन ये पिपरी का, ता एक मऊ जनपद चित्रकूट का रहने वाला है गोविंद। ये चार लोगों ने मिलकर घटनाएँ की थी। दो जो मोटरसाइकिल बरामद हुई है वो तो पिपरी थाने संबंधित है, जिसके संबंध में 159 और 165/21 का मुकदमा दर्ज है। और दो मोटरसाइकिल है उनमें इनके पूछने के अनुसार इन्होंने इकबाल किया कि ये इन्होंने धूमनगंज और खुल्दाबाद जो प्रयागराज जनपद से संबंधित है वहाँ से चोरी किया था। तो इन सभी को जो है गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। अन्य गुंडा गैंगस्टर की कार्रवाई के खिलाफ जो है बाद में की जाएगी।